नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने उत्तराखंड की एक फेमस डिश लेके आई हूँ बनाने के लिए। हमने आलू ले लिए हैं, इनको छील लिया है, दो टमाटर लिए हैं, लहसुन की कलियाँ ली हैं और एक प्याज लिया है, दो हरी मिर्च ली है। आलूओं को हम इस तरह से टुकड़े कर लेंगे चाकू की सहायता से और इसे खलबट्टा या आपके पास सिलबट्टा होगा इसमें इसको अच्छे तरह से इस तरह से कूटना है। देखिए दोस्तों, इस तरह ही दरदरा कूटना है हमें। दोस्तों हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है सरसों का और इसमें हमने ये काली वाली सरसों के दाने लिए हैं, इसका तड़का लगाएंगे हम। तड़का के बाद हम इसमें प्याज और लहसुन एक साथ ही डालेंगे, दोनों को हमें एक साथ ही पकाना है। अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे, हमें इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हमारा लहसुन और प्याज पक के इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम इसमें कुटा हुआ आलू डालेंगे। आलू को भी हम लहसुन और प्याज के साथ में अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ी देर हम इसे इसी तरह से पकाएंगे और इसके साथ चलाते रहेंगे। तेल हमें अच्छा ही डालना है दोस्तों, सब्जी में बिल्कुल भी कम नहीं डालना है, नहीं तो हमारी सब्जी लगेगी। कटी हुई मिर्ची हम इसमें डालेंगे, आप इसकी जगह लाल मिर्ची का यूज़ भी कर सकते हैं, मैं हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी थोड़ी नरम पड़ गई है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च कलर के लिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन मसालों को हम आलू के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी थोड़ी देर हम इसी तरह से आलू के साथ में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी हम अच्छी तरह से आलू के साथ में पका लेंगे। गैस हमने सिम ही रखनी है दोस्तों, बिल्कुल भी तेज़ आंच पे हमें मसालों को पकाना नहीं है। थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, तेज़ आंच कर लेंगे हम, तब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से इसमें पक जाएं दोस्तों। बिल्कुल थोड़ा ही पानी डालना है, मसाला हमारा नीचे लग रहा था इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर सिम गैस पे ही हमने आलूओं को पकने देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे हमारे आलू कितने पके हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू आधे पक चुके हैं। अभी हमें और पकाना है, इसे सिम गैस पे ही पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें इसे इसी तरह से ढक्कन हटाकर चेक करते रहना है। गैस हमारी बिल्कुल ही कम है, अब हम फिर से इसको ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी पक चुकी है, आलू हमारे गल चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें गर्म पानी ही डालेंगे, सब्जी में हमने बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डालना है, गर्म ही पानी डालना है और तेज़ आंच पर हमें इस सब्जी को पकाना है और चलाते रहना है इस तरह से। देखिए हमारी सब्जी में उबाल आ गया है, थोड़ी देर हमें इसे तेज़ आंच पर इसी तरह पकाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी पककर तैयार हो गई है। ये देखिए बड़ी ही सुंदर लग रही है देखने में, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। देखिए दोस्तों, चावल के साथ के लिए हमारी आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है।